श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस अध्याय से अब तक हमने पढ़े हैं 11 श्लोक और उनमें भगवान यही बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा है और जो प्रकृति से बिल्कुल अलग है, उसकी शारीरिक पदार्थ क्रियाएं इन सबको भूल से वह अपनी मानता है, लेकिन वह बिल्कुल अलग है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य से प्रकाशित दिवस और अमावस्या की रात्रि, जिनका परस्पर संयोग कभी संभव नहीं है। तो जो इस भेद को जान लेता है वही ज्ञानी है, और जो इनको मिला हुआ देखता है वह भोगी है, अज्ञानी है। तो आज इसे आगे प्रारंभ करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार पिछले श्लोकों का सार दोहरा लेते हैं आपके लिए। जब जीव लेता देह अथवा त्यागता संबंध को, करता ग्रहण इनको सुमन से वायु जैसे गंध को, रसना त्वचा दृग कान एवं नाक मन आश्रय लिए, यह जीव सब सेवन किया करता विषय निर्मित किए, जाने हुए तन त्याग रहते भोगते गुण युक्त भी, जाने न इसको मूढ़ मानव जानते ज्ञानी सभी, कर यत्न योगी आप में इसको बसा पहचानते, पर यत्न करके भी न मूढ़ अशुद्ध आत्मा जानते। तो आज इससे आगे 12वां श्लोक। यहाँ 15वें अध्याय में 5-5 श्लोकों के 4 प्रकरण हैं, उनमें से ये है तीसरा प्रकरण। तो इस तीसरे प्रकरण में विशेष रूप से भगवान के प्रभाव और महत्व को प्रकट किया गया है, और जो छठे श्लोक में परम धाम को सूर्य चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते वह बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई थी, अब उसी का स्पष्ट विवेचन आगे के श्लोक में किया गया है। यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यानी सूर्य को प्राप्त हुआ जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है तथा जो तेज अग्नि में है, उस तेज को मेरा ही जान। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि परमात्मा ही संपूर्ण शक्तियों का मूल है। इस विषय में केनोपनिषद की एक कथा है कि एक बार परमात्मा ने देवताओं के लिए असुरों पर विजय प्राप्त की, परंतु इस विजय में देवताओं ने अपनी शक्ति का अभिमान कर लिया। वे समझने लगे कि हमने ही शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है। देवताओं के इस अभिमान को नष्ट करने के लिए परमात्मा यक्ष का रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। अब यक्ष को देखकर देवता लोग आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगे कि यह यक्ष कौन है। तो उसका परिचय जानने के लिए देवताओं ने अग्निदेव को उसके पास भेजा। तो यक्ष के पूछने पर अग्निदेव ने कहा कि मैं जातवेदा नाम से प्रसिद्ध अग्नि देवता हूँ, और मैं चाहूँ तो पृथ्वी में जो कुछ है उस सब को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तब यक्ष ने उसके सामने एक तिनका रख दिया और कहा कि तुम इस तिनके को जला दो। तो अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को जला नहीं पाए। तो वह लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आए और बोले कि यह यक्ष कौन है, यह मैं नहीं जान सका। तब देवताओं ने वायुदेव को यक्ष के पास भेजा। तो अब यक्ष के पूछने पर वायुदेव ने कहा कि मैं मातृश्वा नाम से प्रसिद्ध वायु देवता हूँ, तो मैं चाहूँ तो पृथ्वी में जो कुछ है उस सब को उड़ा सकता हूँ। तब यक्ष ने उसके सामने एक तिनका रख दिया और कहा कि तुम उस तिनके को उड़ा कर दिखाओ। तो वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वे उस तिनके को नहीं उड़ा सके। तो वह भी लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आए और बोले कि मैं उस यक्ष को नहीं जान पाया। तब देवताओं ने इंद्र को उस यक्ष का परिचय जानने के लिए भेजा, परंतु इंद्र के वहाँ पहुँचते ही यक्ष अंतर्ध्यान हो गया और उस जगह हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई।
उमा यानी पार्वती। तो इंद्र के पूछने पर उमा देवी ने कहा कि स्वयं परमात्मा ही तुम लोगों का अभिमान दूर करने के लिए यक्ष रूप से प्रकट हुए थे। तात्पर्य है कि सृष्टि में जो भी बलवत्ता विशेषता और विलक्षणता देखने में आती है वह सब परमात्मा से ही आई हुई है। तो यहाँ दृश्य दिखने वाले पदार्थों में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान आगे के श्लोक में जिस शक्ति से समष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं उस समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। यानी मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। भगवान भी पृथ्वी में प्रवेश करके उस पर स्थित संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों को धारण करते हैं। तात्पर्य है कि पृथ्वी में जो धारण शक्ति देखने में आती है वह पृथ्वी की अपनी ना होकर भगवान की ही है। तो वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा जल का स्तर ऊंचा है और पृथ्वी पर जल का भाग स्थल की अपेक्षा बहुत अधिक है। ऐसा होने पर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती, यह भगवान की धारण शक्ति का ही प्रभाव है। तो पृथ्वी के उपलक्षण से यह समझना चाहिए कि पृथ्वी के सिवाय जहाँ भी धारण शक्ति देखने में आती है वह सब भगवान की ही है। पृथ्वी में अन्न आदि औषधियों को उत्पन्न करने की उत्पादक शक्ति एवं गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी भगवान की ही होती है। और चंद्रमा में कहा जाता है कि दो शक्तियाँ होती हैं, प्रकाशिका शक्ति और पोषण शक्ति। प्रकाशिका शक्ति में अपने प्रभाव का वर्णन पूर्व श्लोक में करने के बाद अब भगवान इस श्लोक में चंद्रमा की पोषण शक्ति में अपना प्रभाव बताते हैं कि चंद्रमा के माध्यम से संपूर्ण वनस्पतियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में पोषक और कृष्ण पक्ष में शोषक होता है। तो शुक्ल पक्ष में रसमय चंद्रमा की मधुर किरणों से अमृत वर्षा होने के कारण ही लता पुष्पादि पुष्ट होते हैं और फलते फूलते हैं। माता के उदर में स्थित शिशु भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि को प्राप्त करता है। तो यहाँ सोमह पद चंद्रलोक का वाचक है, चंद्रमंडल का नहीं। तो नेत्रों से हमें जो दिखाई देता है वह चंद्रमंडल है और चंद्रमंडल से भी ऊपर आँखों से न दिखने वाला चंद्रलोक है। तो अब ऊपर के पद में विशेष रूप से सोमह पद देने का अभिप्राय है कि चंद्रमा में प्रकाश के साथ साथ अमृत वर्षा की शक्ति भी है। वह अमृत पहले चंद्रलोक से चंद्रमंडल में आता है और फिर चंद्रमंडल से भूमंडल पर आता है। और यहाँ औषधि पद के अंतर्गत गेहूँ चना सब अन्न को हमें समझ लेना चाहिए। तो चंद्रमा के द्वारा पुष्ट हुए अन्न का भोजन करने से ही मनुष्य पशु पक्षी आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हैं। औषधियों वनस्पतियों में शरीर को पुष्ट करने की जो शक्ति है वह चंद्रमा से आती है। चंद्रमा की वह पोषण शक्ति भी उसकी अपनी न होकर भगवान की ही है और भगवान ही चंद्रमा को निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं। तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि पृथ्वी चंद्रमा आदि सब भगवान की अपरा प्रकृति है, अतः इसके धारक उत्पादक पालक संरक्षक प्रकाशक सब कुछ भगवान ही है। भगवान की शक्ति होने से अपरा प्रकृति भगवान से अभिन्न है। तो यहाँ सोम शब्द जो है वो चंद्रलोक का वाचक है जो सूर्य से भी ऊपर है। तो समष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बताने के बाद अब भगवान जिस शक्ति से व्यष्टि जगत में क्रियाएं हो रही हैं उस व्यष्टि शक्ति में अपना प्रभाव बता रहे हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम
यानी प्राणियों के शरीर में रहने वाला मैं, प्राण अपान से युक्त वैश्वानर यानी जठराग्नि होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। जठराग्नि पेट की अग्नि। तो यहाँ पर प्राणी चार प्रकार के अन्न का भोजन करते हैं बताया गया है कि भोज जो अन्न दांतों से चबाकर खाया जाता है जैसे रोटी हुआ, पेय जो अन्न निगला जाता है जैसे खिचड़ी हलवा दूध रस, चोष्य यानी दांतों से दबाकर जिस खाद्य पदार्थ का रस चूसा जाता है और बचे हुए आसार भाग को थूक दिया जाता है जैसे ईख आम आदि, वृक्षादि स्थावर योनियाँ इसी प्रकार से अन्न को ग्रहण करती हैं, लेह यानी जो अन्न जिह्वा से चाटा जाता है जैसे चटनी शहद आदि। तो अन्न के उपयुक्त चार प्रकारों में भी एक एक के अनेक भेद हैं, तो भगवान कहते हैं कि उन चारों प्रकार के अन्नों को जठराग्नि के रूप से मैं ही पचाता हूँ, अन्न का ऐसा कोई अंश नहीं है जो मेरी शक्ति के बिना पच सके। तो जब पृथ्वी में प्रविष्ट होकर संपूर्ण प्राणियों को धारण करना, चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों का पोषण करना, फिर उनको खाने वाले प्राणियों के भीतर जठराग्नि बनकर खाए हुए अन्न को पचाना आदि संपूर्ण कार्य भगवान की ही शक्ति से होते हैं, परंतु मनुष्य उन कार्यों को अपने द्वारा किया जाने वाला मानकर मुफ्त में ही अभिमान कर लेता है। अहम करोमि ते वृथा अभिमानः। तो जैसे बैलगाड़ी के नीचे छाया में चलने वाला कुत्ता समझता है कि बैलगाड़ी में ही चला रहा हूँ, तो ऐसा ही भ्रम मनुष्य को भी हो जाता है। अब पीछे के तीन श्लोकों में प्रभावयुक्त विभूतियों का वर्णन करके अब उस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान सब प्रकार से जानने योग्य तत्व स्वयं को बताते हैं। सर्वस्य चहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च वैदेश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम्। यानी मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन यानी संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो यहाँ पे 10 प्रकार के प्राण वायु जो बताए गए हैं उनका भिन्न भिन्न कार्य कुछ इस प्रकार है। प्राण इसका निवास स्थान हृदय है और इसके कार्य हैं श्वास को बाहर निकालना और खाए हुए अन्न को पचाना। दूसरा है अपान, इसका निवास स्थान गुदा है, इसके कार्य है श्वास को भीतर ले जाना, मलमूत्र को बाहर निकालना, गर्भ को बाहर निकालना इत्यादि। तीसरा है समान, इसका निवास स्थान नाभि है, तो इसका कार्य है पचे हुए भोजन के रस को सब अंगों में बांटना। ये 10 प्राण वायु के अलग अलग कार्य हैं। उदान, इसका निवास स्थान कंठ है, जब भोजन करते हैं तब उसके गाढ़े भाग और जल भाग को ये अलग अलग करता है। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या लोक में ले जाना भी इसी वायु का कार्य है, उदान। फिर है व्यान, इसका निवास स्थान संपूर्ण शरीर है, इसका कार्य है शरीर तथा उसके अंगों को सिकोड़ना या फैलाना। और छठा है नाग, इसका कार्य है डकार लेना। तो इस प्रकार से प्राणवायु के भिन्न भिन्न कार्य बताए गए हैं। सातवां है कूर्म, इसका कार्य है नेत्रों को खोलना और बंद करना। आठवां क्रिकर, इसका कार्य है छींकना। नवां है देवदत्त, इसका कार्य है जमाई लेना। दसवां है धनंजय, यह मृत्यु के बाद भी शरीर में रहता है जिससे मृत शरीर फूल जाया करता है। तो वास्तव में एक ही प्राणवायु के भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ऊपर के सारे भेद माने गए हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश्वदाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वयंत श्रनन्यो अभिचाकशीते। यानी सदा रहने वाले, साथ रहने वाले तथा परस्पर सख्य भाव रहने वाले दो पक्षी जीवात्मा एवं परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर
रहते हैं। उन दोनों में से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के कर्म फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उनका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। भगवान कहते हैं कि आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत अथवा वैश्वानरगत भगवान का वर्णन है। मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन में फर्क है। पहले ममयवांशो जीवलोके पदों से सिद्ध किया था कि भगवान अपने हैं, और यहाँ पे ये सिद्ध किया है कि भगवान अपने में हैं। यही फर्क है। अपोहनम पद का अर्थ है अपगत, अपोहनम अर्थात संशय का निवारण, और वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत अर्थात निष्कर्ष, निचोड़। तो भगवान कहते हैं कि वेद अनेक हैं, पर उन सब में जानने योग्य मैं ही एक हूँ, और उन सब को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ मैं ही हूँ। तो भगवान इसी अध्याय के पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक तीन प्रकरणों क्रमशः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से वर्णन करते हैं। तो अब उस विषय का उपसंहार करते हुए आगे के दो श्लोकों में उन तीनों का क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन करते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरमुच्यते। यानी इस संसार में क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी, ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं जो संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया है कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की ही है और लौकिक की नहीं, और अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। अब लौकिक जो प्रभाव देखने में आता है वैसा वह अलौकिक का ही है। यहाँ पे क्षर और अक्षर शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने बताया है कि ये इसे समझना चाहिए कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा ना तो स्त्री हैं, ना पुरुष हैं और ना नपुंसक हैं। वास्तव में लिंग भी शब्द की ही दृष्टि से है, तत्व से कोई लिंग भी नहीं है। क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि के लिए यहाँ भगवान ने क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष नाम से कहा है। यहाँ भूतानि पद जो आया है वो प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का वाचक है। तो जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकों में जाए, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए उसको यहाँ पे कूटस्थ भी कहा गया है। तो स्वरूप से जीवात्मा सदा निर्विकार है, परंतु भूल से प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण उसकी जीव संज्ञा हो जाती है, नहीं तो वह साक्षात परमात्मा तत्व ही है। तो कर्मयोग और ज्ञान योग, ये दो योग मार्ग भी लौकिक हैं, लेकिन भक्ति योग श्रेष्ठ है। क्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग है अलौकिक जो भगवान को लेकर चलता है। तो 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति को यहाँ पे क्षर नाम से और परा प्रकृति को यहाँ पे अक्षर नाम से कहा गया है। तो अगला श्लोक है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्याव्यय ईश्वरः। यानी उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है, वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। तब पूर्व श्लोक में क्षर और अक्षर दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन करने के बाद अब भगवान यह बताते हैं कि उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। तो यहाँ अन्य पद परमात्मा को अविनाशी अक्षर से भिन्न बताने के लिए नहीं, प्रत्युत उससे विलक्षण बताने के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए भगवान ने आगे अपने को नाशवान अक्षर से अतीत और अविनाशी अक्षर से उत्तम बताया है। तो परमात्मा का अंश होते हुए भी जीवात्मा की दृष्टि या खिंचाव
नाशवान क्षर की ओर हो रहा है, इसलिए यहाँ भगवान को उससे भी विलक्षण बताया है। पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर तो लौकिक हैं, पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण है अर्थात अलौकिक है, अतः परमात्मा विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा और विश्वास का विषय है। परमात्मा के होने में भक्त, संत, महात्मा, वेद और शास्त्र ही प्रमाण है। अन्य का खुलासा भगवान ने आगे के श्लोक में किया है। तो इन पदों में सभी पिछले श्लोकों का भाव आ गया है। तो मनुष्य का कर्तव्य, तो कहते हैं कि मनुष्य लोक में है, पर भगवान का कर्तव्य तीनों लोकों में है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान का अपना कोई कर्तव्य है ही नहीं, फिर भी वे केवल जीवों के हित के लिए ही कर्तव्य करते हैं। पूर्व श्लोक में उत्तम पुरुष के साथ अपनी एकता बता के वे साकार रूप से प्रकट भगवान श्री कृष्ण अपना अत्यंत गोपनीय रहस्य अर्जुन पर प्रकट करते हैं, लेकिन उसको देखेंगे हम कल। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।